हेलो सर, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स। आई ऑलरेडी कंप्लीटेड लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 इन टेक्स्ट बुक। आई ऑल्सो एक्सप्लेन इन जूम लेक्चर। सो नाउ आई स्टार्ट लेसन नंबर 2। Let's do homework. Here, up to page here, I completed in last week. Okay? Now, we start page number 42. Let's do homework. Students, you have to do this homework. I'm just explaining and you have to do yourself because it is the summarize of lesson number 2 and very easy for you. So let's see question number 1. Write the following numbers in words. आपको को सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन समझना चाहिए. Write the following numbers in words. यहाँ पर बेटा आपको ये जो नंबर्स है इनको आपको वर्ड में लिखना है. यह है, क्या है आपको 774, तो आपके यहाँ क्या लिखना है 774. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट आपको स्पेलिंग निकालना है ताकि इतने स्पेस में आपका आ जाए. दूसरा है 901, तो आपको 9 लिखना है 901. ओके, तो इस तरह से आपको ये वाला कंप्लीट करना है. देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर. अब यहाँ पे आपको नंबर्स क्या दिया है, वर्ड्स में दिया है, आपको फिगर में लिखना है. तो यहाँ पे नेसेसरी क्या है, यू हैव टू, आपको क्या करना है, यहाँ पे नेसेसरी क्या है, क्या आपको रीडिंग आनी चाहिए 652. तो आपको क्या लिखना होगा 652. इस तरह से आपको ये नंबर में कंप्लीट करना है. सेकेंड, एक्सपांड द नंबर गिवन बिलो. अब यहाँ पे देखना है 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये वाला, तो आपको लिखना है 4, 10s की प्लेस पे 9 और 1s की प्लेस पे 1. इस तरह से यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है 1 की प्लेस पे 1. ओके, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3. देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फिगर्स फॉर द एक्सपांडेड फॉर्म गिवन बिलो. अब यहाँ पे आपको ये जो फिगर यहाँ पे दी थी आपको एक्सपांडेड फॉर्म में करना थी, और यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म में दी आपको फिगर में लिखना है. 100 की प्लेस पे क्या है 5, 10s की प्लेस पे 8 और 1s की प्लेस पे 6. इस तरह से आपको नंबर लिखना है, आप इसे भी लिख सकते हो. ठीक है, यू हैव टू डू फास्ट. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है, 6 कौन सी प्लेस पे 100, तो 6 की वैल्यू हो गई 600. 5 10s की प्लेस है, इसकी वैल्यू हो गई 50 और 7 1s की प्लेस है, तो इसकी वैल्यू हो गई ओनली 7. बाकी आप इस तरह से भी देख सकते हो, ये 9 नंबर है तो ये 9 नंबर आपको ऐसे लिखना है. इसके बाद जितने डिजिट है 1 एंड 2, तो आपको इस तरह से यहाँ पे 20 लगा देने. इस तरह से भी आप कर सकते हो फॉर योर रिमेम्बरिंग. ओके स्टूडेंट, नाउ गोज टू द क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच एबेकस. यहाँ पे आपको काउंट करना है और लिखना है कितने हैं 1 2
थ्री फोर फाइव, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फाइव। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, नेन पुट सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्क्वेयर अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन द गिवन नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसके अंदर आपको सर्कल करना है और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके अंदर आपको स्क्वेयर करना है। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखने के लिए मैंने भी पहले आपको सिखाया था, 100 डिजिट का नंबर पहले देखना है, 7, 9, 3, 6 and 1। क्या है 7, 9, 3, 6 and 1? तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा नंबर, क्या पूछा गया हमें, स्मॉलेस्ट, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, 7, 9, 4, 6 और 1। तो 1 स्मॉलेस्ट है टेंस की प्लेस पे, तो इसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। ओके, अब ग्रेटर नंबर पूछा है, इसी में ग्रेटर नंबर 100 की प्लेस पे देखना है, अगर वो सेम हुआ तो टेंस की प्लेस पे जाना है, टेंस प्लेस वाला भी सेम हुआ तो वंस की प्लेस पे जाना है, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। सो लेट्स चेक विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन दिस नंबर, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, 7, 9, 4, 6 and 1। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 9, सो वी हैव टू पुट सर्कल हियर। इस तरह से आपको बेटा 1, 2, 3, 4 करना है एज अ होमवर्क। गो टू द क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर्स एज पर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पे प्रिसेंडिंग पी से मैंने याद कहा था आपको, पहला वाला लिखना है 401, इसमें बेटा आप मिस्टेक नहीं करना है, 401, तो यहाँ पे होगा 400, है ना, इसमें आप मिस्टेक करते हो। यहाँ पे सक्सेडिंग मतलब बाद वाला, 356 के बाद आएगा 357, ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन मिडल नंबर में 488, 489, और आपको बेटा चेक कर लेना है 488, 489, 490, ये आ रहा है, मतलब हमारा नंबर राइट। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में करना है, बट ये वाला पेज आपको वर्क बुक में कंप्लीट करना है। आई थॉट सबने वर्क बुक और टेक्स्ट बुक ले ली है, हम लोग ने कब से मैसेज आपको भेज रहे थे और बहुत सारे बच्चों ने ले ली होंगी, तो ये पेज नंबर आपको वर्क बुक में कंप्लीट करना है। सो देयर इज़ नो नीड टू सेंड द पेज ऑफ 42 and 43, यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ। देन गो टू द क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मैंने आपको बताया था असेंडिंग इस तरह से करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब इस तरह से करना है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब ऊपर ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, असेंडिंग स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर, इस तरह से हम ऊपर आते हैं। तो आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यही नंबर आपको यहाँ पे कौन से ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर सारे नंबर दिए हैं, ये सारे नंबर्स आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, सेम थिंग हियर है, यहाँ पर यही नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में, राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे कॉमा कॉमा करके आपको लिखना है। सबसे बड़ा क्या लोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ग्रेटर टू स्मॉलर, यहाँ नंबर लिखना है कॉमा कॉमा करके इस तरह से आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने एक्सप्लेन किया है, यू हैव टू कंप्लीट एज अ होमवर्क इन योर वर्क बुक। ओके बेटा, अंडरस्टूड, अल्लाह हाफिज़।